आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए टक ऐप इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। भारत ने चीन और पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में आर्थिक कॉरिडोर, कश्मीर और लद्दाख के जिक्र का ऐतराज जताया है। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 6 फरवरी को चीन और पाकिस्तान ने कश्मीर पर, लद्दाख पर टिप्पणी की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और हमेशा रहेंगे। ऐसे में भारत पड़ोसी देशों से ये उम्मीद करता है कि वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमने 6 फरवरी के चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू और कश्मीर और तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भों का उल्लेख देखा है। हम इन संदर्भों को खारिज करते हैं। CPEC पर हम भी लगातार चीन और पाकिस्तान को अपनी चिंताओं से अवगत कराते रहते हैं जो भारत के क्षेत्र में है और जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। आपको बता दें कि इमरान खान हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक CPEC प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे चीनी नागरिकों पर बढ़ रहे हमले को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बाद दोनों देशों ने 6 फरवरी को साझा बयान जारी कर कहा, पाकिस्तानी पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर में स्थिति पर ताजा घटनाक्रमों से अवगत कराया है। चीनी पक्ष ने फिर से कहा कि कश्मीर मुद्दा एक ऐसा विवाद है जो अतीत से मिला है और उसका उपयुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। चीन स्थिति को और जटिल करने वाली किसी भी एकपक्षीय कार्रवाई का विरोध करता है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार इमरान खान के साथ अपनी बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन CPEC के पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। आपको बता दें कि जब चीन और पाकिस्तान मिले तो उन्होंने कश्मीर और लद्दाख को लेकर जो बयानबाजी की उससे भारत खासा नाराज है और भारत ने साफ कर दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी पड़ोसी देश दखल ना दे।